हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो ये लूज फिटिंग शर्ट बनाना है, ये मेजरमेंट समझ लेते हैं। लंबाई 29 इंची है, सीना 34 है, पेट 28 है, हिप 36 है, तीरा 17 है, बाएं 23 है, कॉलर 14.5 है। तो इसी मेजरमेंट से आज आपको ये शर्ट कटिंग करके दिखाऊंगा। ये लूज शर्ट बनाना है, लूज शर्ट में कितना हम लोग लूजिंग देते हैं उसी हिसाब से आपको आज बताएंगे। ये हमने कपड़ा उल्टा कर लिया है, बिछा लिया है उल्टा करके। सबसे पहले कपड़ा को यहाँ से सीधा कर लेंगे। पट्टी के लिए ये किनारी छोड़ के 2 इंची एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसका तीरा 1.25 इंची डाउन करेंगे। हमारा 34 सीना है तो 4 भाग करेंगे तो 8.5 पे निशान लगेगा। हमारा लंबाई 29 इंची है तो 1/2 इंची मार्जिन छोड़ के 29.5 इंच को लगाएंगे। नीचे से फोल्ड के लिए 1.5 इंच रखेंगे। पेट का हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सब निशान को सीधा कर लेंगे। सब निशान मेरा सीधा हो गया है दोस्तों। इसमें 34 हमारा सीना है तो 34 का 4 भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। और ये हमारा शर्ट लूज बनाना है तो इसमें हम 2.5 इंच लूज देंगे। पूरा लूज शर्ट चाहिए उनको तो ये 2.5 इंच हमने लूज इसमें दिया है। सेम उसी तरह पेट का हमारा 28 पेट है तो 28 का 4 भाग करेंगे तो 7 आएगा और 2.5 इंच इसमें लूजिंग देंगे। हिप हमारा 36 है तो हिप का 4 भाग करेंगे तो 9 आएगा और 2.5 इंच यहाँ पे लूजिंग देंगे। तीरा हमारा 17 है तो 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 आएगा और 1/2 इंच मार्जिन लेकर ये हमारा 9 आएगा। इस सब निशान को सीधा कर लेंगे। स्केल से शेप निकाल के ऐसे शेप देकर सीधा कर निशान लगा दिया हमने शेप करके। ऐसे और ये काकी का शेप दोस्तों यहाँ से जो हमारा ये 4 भाग करके हमारा 8.5 आया था तो यहाँ से 1 इंची अंदर की तरफ करके ये निशान लगा देंगे। ऐसे यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। कलर हमारा 14.5 इंच है तो यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। डाउन कर दिया हमने तीरा को। इसको फ्रेम के मैं निशान लग गया तो इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको ये हमारा फ्रेंड का कटिंग हो गया है दोस्तों। यहाँ से कुर्ता लगा लेंगे। बैक यहाँ से काटेंगे। बैक के लिए यहाँ सीधा निशान लगा देंगे। इसको सीधा कर लेंगे। तीरा हमारा 17 था तो 17 का 1/2 8.5 और 1/2 इंच मार्जिन लेके 9 इंच पे निशान लगा देंगे। कपड़ा को यहाँ से सीधा कर लेंगे काट के।
इसके ऊपर फ्रेम बिछाएंगे दोस्तों। फ्रेम यहाँ हमारा आधा इंची बैक से ज्यादा रहेगा, बैक हमारा आधा इंच छोटा रहेगा। यहाँ पे एक इंची पौन इंच इतना ये तीरा भी आप छोटा यहाँ से बैक कर सकते हैं। फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रहेगा ऊपर में, तीरा हमारा छोटा रहेगा यहाँ से। यहाँ से हल्के निशाने से सेप दे देंगे, तो उसको काट लेते हैं पहले बैक को। हमारा बैक फ्रेम कट गया दोस्तों। अब यहां से ढाई इंच पे इसका राउंड शेप निकाल देंगे यहां से। हमारा राउंड शेप हो गया है। यहाँ से हम बाहें निकालेंगे। बाहें के लिए दोस्तों क्या होता है कि हाफ काटना है शर्ट, तो आप इसको सीधा भी चाहिए ऐसे, और फुल काटना है तो थोड़ा सा इसको तिरछा कर ले ऐसे। कपड़ा जो है सीधा कर लेंगे। तीरा इसका हम बाएं के ये डाउन करेंगे 3 इंची, और बाएं का लंबाई हमारा 23.5 है, तो इसको 22.5 पर लगाएंगे, इसलिए कि इसमें हमारा 1 इंची मार्जिन चला जाता है दोनों तरफ लेके, तो ये हमारा हो जाएगा 21.5 इंची और 2.5 इंची का हमारा कफ आ जाता है, तब ये हमारा 23.5 इंची ये तैयारी हो जाएगा दोस्तों। सब निशान को सीधा कर लेंगे। हमने फ्रेंड में 8.5 पे लगाया था, तो यहाँ पे 9.25 पे लगाएंगे, 2 सूट ज्यादा लगाया जाता है इसको। ये हमारा लूज फिटिंग का शर्ट है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे, 9 इंच कप लगेगा हमारा, 1 इंच प्लेट का चला जाएगा। सेप स्केल से निशान लगा ले, ऐसे राउंड शेप में ऐसे धागा मार ले और उसको कटिंग करेंगे। ऊपर वाला पलस है आधा इंची, इसको निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा बाघ आगे तरफ जुड़ेगा। यहाँ से फोल्ड कर दिए हमने, 3.75 इंच के लिए चौड़ाई रखा है। यहाँ से चौकपट्टी के लिए 4 से 4.5 इंची ये सिंगल चौकपट्टी बनेगा हमारा, डबल बनेगा तो 5.5 इंच रखेंगे, 6 इंच रखेंगे, अपने हिसाब से कम बेस कर सकते हैं। नॉर्मल हम लोग 4.5 इंच 4 इंच रखते हैं। बाई मेरा कट गया है, यहाँ से हम तीरा निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों 6.25 इंच रखेंगे, 2 इंच तीरा डाउन रहेगा हमारा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 6.25 इंच और 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे। निशान को सीधा कर लेंगे,
मेरा 17 इंच तीरा था, 17 का हाफ 8.5 और वही आधा इंच मार्जिन लेकर 9 इंच पर निशान लगा देंगे। हमने फ्रंट में 2.5 इंच पर रखा था वो गुलाई कलर के लिए, इसमें हम पौने 3 इंच रखेंगे। निशान को यहाँ निशान में लगा मिला देंगे। ये हमारा तीरा का निशान लग गया है, यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, उसको कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। बैक फ्रेंड हो गया दोस्तों मेरा, ये हमारा बाएं आ गया, ये तीरा के यहाँ से चीर देंगे बीच से। ये हमारा कलर खर्चा निकल जाएगा। ये मेरा कटिंग हो गया दोस्तों, कैसा लगा कटिंग आपको? अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई चीज समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा।